हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके लिए एक और वीडियो और सीधे सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। यूनिट नंबर 5, वॉकेबलरी एंड ग्रामर, जिसका टॉपिक हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं इस यूनिट में से, या यूं कहें कि इस टॉपिक में से, जिसमें हमने वर्ड्स के बारे में सीखा था। व्हाट आर वर्ड्स? वर्ड्स क्या होते हैं, उनकी हमारे लिए क्या अहमियत है, किसी भाषा में उनकी क्या अहमियत है, उसको हमने उस वीडियो में सीखा था। उससे भी महत्वपूर्ण ये वाला वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको कोर टॉपिक बताया जाएगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने प्रकार से हम उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। वर्ड वाला पोर्शन हम देख चुके हैं, अब हम यहां बात करेंगे सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर किसी लैंग्वेज में हम कुछ बोलते हैं, अंत में आकर हम कुछ सीखते हैं, तो सबसे एंड में हम सेंटेंस बनाना ही सीखते हैं। यानी सेंटेंस अगर बनाने आ गए, तो ये मानते हैं कि आपको लैंग्वेज बोलनी आ गई है, आप लैंग्वेज को सीख चुके हैं। देन इन इंग्लिश इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कोई भी सेंटेंस जब बनता है इंग्लिश में, तो उसको कैपिटल लेटर से हम शुरुआत करते हैं, फुल स्टॉप से हम उसको एंड करते हैं, या क्वेश्चन मार्क से हम एंड करते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से उसको हम एंड करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल्स में यहां बताया गया है, ही इज अ गुड बॉय, ये स्टेटमेंट है। इज ही अ गुड बॉय, ये क्वेश्चन है। व्हाट अ नाइस वेदर, कितना अच्छा मौसम है, ये एक्सक्लेमेशन है। आइडियली अ सेंटेंस रिक्वायर्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट या एक वर्ब की कम से कम आवश्यकता होती ही होती है, चाहिए ही चाहिए। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी हिडन, बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां सब्जेक्ट छुपा हुआ रह सकता है, मतलब लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वर्ब तो क्लियरली दिखनी ही चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि वर्ब जो है वो सेंटेंस का हार्ट होती है, हर्ट नहीं, हार्ट, हृदय, दिल। एग्जाम्पल आप देखिए, डू इट, इसे करो। तो यहां पर हम कह सकते हैं यू हिडन है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन डू क्लियरली दिख रहा है। मैं अगर बोल दूं यू इट, ध्यान से सुनिए, यू इट, तो क्या आप इसका कोई अर्थ निकाल पा रहे हैं? नो। इसीलिए कहा गया है, सब्जेक्ट दिखे ना दिखे, पता चले या ना चले, वर्ब का पता जरूर होना चाहिए। अब डेफिनेशन देख लेते हैं जो कैम्ब्रिज ग्रामर में दी गई है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन और एक्सक्लेमेशन, एंड स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर
व्हेन रिटन। सेंटेंस जो है शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें वर्ब होती है और जो एक विचार को व्यक्त करता है, चाहे वो कथन यानी कि स्टेटमेंट के रूप में हो, चाहे वो प्रश्न यानी कि क्वेश्चन के रूप में हो, या फिर वो इंस्ट्रक्शन या एक्सक्लेमेशन के रूप में हो, और जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होता हो। इन अदर वर्ड्स, अ कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस मस्ट हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कह सकते हैं कि एक अच्छे सेंटेंस में तीन खास बातें ये जो मैं नीचे बता रहा हूं होनी चाहिए। फर्स्ट, पहले लिखित के रूप में देखते हैं। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पीरियड, जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, और अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। सेकेंड, इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, नॉट फ्रेगमेंटेड। किसी भी सेंटेंस से पूरा अर्थ निकलना चाहिए, ना कि खंडित अर्थ, मतलब टुकड़ों में अर्थ ना निकले। थर्ड, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट चाहे हिडन हो या विजिबल हो, वो अलग बात है, पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड वन वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद होना चाहिए। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ वर्ब होनी चाहिए, और उसका एक संपूर्ण अर्थ, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। दो बहुत महान ग्रामेरियंस, ग्रामर के बहुत महान राइटर्स, सर जेसी नैसफील्ड और रेनन मार्टिन, जो क्लब करके एक बुक लिखते हैं, ये दोनों ही बुक्स भी आती हैं इस नाम से, जेसी नैसफील्ड ग्रामर, रेनन मार्टिन ग्रामर। तो उनकी डेफिनेशन क्या कहती है? A combination of words that makes a complete sense is called a sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. तो देखिए, दोनों में एक आ गया है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कि एक अर्थ निकलता हो, एक sensible अर्थ निकलता हो, उसे हम sentence कहते हैं। An English sentence is a group of words containing at least one subject and one verb that constructs a sensible unit of language. बार बार ये बात आ रही है सामने, one subject और one verb. अब हम एक बार subject और predicate को भी देख लेते हैं। Every complete sentence contains two parts, a subject and a predicate. The subject is what or whom the sentence is about, while the predicate tells us something about the subject. तो subject क्या है? जिसके बारे में sentence में बात की गई है, और जो बात की गई है वो प्रेडिकेट में आता है।
इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रेडिकेट इज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने लगाए हैं इसके अंदर आपको प्रेडिकेट दिखेगा और सब्जेक्ट को हमने हाईलाइट कर रखा है, मतलब इटैलिक्स में लिख रखा है। विकास प्लेज, यहां पर विकास जो है वो सब्जेक्ट है और प्लेज है प्रेडिकेट जो कि वर्ब भी है। विकास एंड हिज ब्रदर प्ले हॉकी इन द स्टेडियम एवरी मॉर्निंग। तो पूरा वाक्य विकास से शुरू हो रहा है जिसमें वी कैपिटल है और फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है, लेकिन अगर इसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करेंगे तो देखिए विकास एंड हिज ब्रदर ये हो गया सब्जेक्ट और प्ले हॉकी इन द स्टेडियम एवरी मॉर्निंग ये हो गया प्रेडिकेट। टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस फर्स्ट आइसोलेट द वर्ब एंड देन आस्क ए क्वेश्चन बाय प्लेसिंग हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आप वर्ब को अलग कीजिए और पूछिए किसने ये कार्य किया, तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में है हु प्लेज, तो आंसर आएगा विकास, तो सब्जेक्ट पता चल जाएगा। हु प्ले हॉकी इन द स्टेडियम, तो आंसर आएगा विकास एंड हिज ब्रदर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस हम देख रहे हैं, द ऑडियंस लिटर्ड द थिएटर फ्लोर विद टॉर्न रैपिंग्स एंड स्पिल्ड पॉपकॉर्न। ऑडियंस यानी दर्शक, दर्शकों ने थिएटर का फ्लोर जो है खराब कर दिया, किससे? फाड़ी हुई पॉलिथीन, जो पैकिंग पेपर्स आते हैं जिनमें पॉपकॉर्न वगैरह रखे आते हैं, और बिखरे हुए पॉपकॉर्न से फर्श को गंदा कर दिया। यहां वर्ब जो है वो है लिटर्ड, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु लिटर्ड, किसने गंदा किया, तो आंसर आएगा आपके सामने द ऑडियंस। इसको हम इटैलिक कर देते हैं तो आपको पहचान आ जाएगा कि ये यहां पर सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब लिटर्ड से लेकर ये जो पार्ट है इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, और यहां भी हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, तो ये आपको प्रेडिकेट का पता चल गया। देन अब हम बात करते हैं अनयूजुअल सेंटेंसेस की, ऐसे सेंटेंसेस जो कि कॉमन नहीं होते, जो थोड़े अलग होते हैं। तो देखिए यहां पर इंपरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड और एन ऑर्डर एंड डिफर फ्रॉम कॉन्वेंशनल सेंटेंसेस इन दैट देयर सब्जेक्ट विच इज ऑलवेज यू इज अंडरस्टूड rather than expressed in the following example। जैसे कि देखिए यहां पर stand away, अगर हमने कहा कि imperative sentence है यानी आदेशात्मक वाक्य है तो उसमें verb understood होगा, लिखेंगे नहीं, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ समझ जाते हैं कि यहां पर you किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। जैसे मेरे सामने मेरा एक स्टूडेंट खड़ा है अमित, और मैं अमित को बैठने के लिए बोलता हूं तो मैं बोलूंगा सिट डाउन, तो इसका सीधा मतलब है अमित यू सिट डाउन। मैंने बोला गेट आउट, तो इसका मतलब है अमित यू गेट आउट। शट अप, तो इसका मतलब है अमित यू शट अप। इस तरीके से हम अपने आप सब्जेक्ट को समझ जाते हैं कौन से सेंटेंस में, बिल्कुल सही इंपरेटिव सेंटेंसेस में। ओके, चलिए एक बहुत अच्छी एक सेंटेंस मेकिंग जो बनती है वो बनती है देयर से, THEERE। जब देयर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट विद देयर, यानी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाता है
और देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट बन जाता है। ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगने के लिए हम इसको यूज करते हैं, वरना हम इसको बिना देयर के भी यूज कर सकते हैं। देयर वर थ्री ब्लैक डॉग्स बार्किंग इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग। तो यहां पर देयर जो है वो भी एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन किसके लिए है वो? थ्री ब्लैक डॉग्स के लिए। हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से इसको सिग्नल कर रहा है। हम इसको सिंपल भी कह सकते हैं, थ्री ब्लैक डॉग्स वर बार्किंग इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट, इफ यू आस्क हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, द आंसर इज थ्री ब्लैक डॉग्स द करेक्ट सब्जेक्ट। हु वॉज बार्किंग? ए ब्लैक डॉग वॉज बार्किंग। हु वर बार्किंग? तो आप कह सकते हैं थ्री ब्लैक डॉग्स वर बार्किंग। क्लियर? इस तरीके से हम यहां पर सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं। अब हम जल्दी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में दो बातें और देखेंगे यहां पर। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सब्जेक्ट। तो सिंपल सब्जेक्ट के बारे में यहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब एक सब्जेक्ट लिखा जाता है सिंपल रूप में, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हुए, तो उसे हम सिंपल सब्जेक्ट कह सकते हैं। और यदि उस सब्जेक्ट को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, उसके साथ में एडजेक्टिव वगैरह जोड़ दिए जाए, तो बेसिकली वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है। यहां देखिए, अ पीस ऑफ ऑनियन, ये सब्जेक्ट, ये एग्जांपल मैं आपको वापस बोलता हूं। अ पीस ऑफ ऑनियन पिज्जा वुड सेटिस्फाई हिज हंगर। यानी कि अनियन पिज्जा का एक पीस उसकी भूख शांत कर देगा। तो यहां पर असली जो सब्जेक्ट है वो है पीस, अ पीस ऑफ। बाकी सब उसके साथ में हमने ऐड कर रखा है, लेकिन सिंपल सब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर पीस ही आएगा। देखो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, और जो मेरे पिछले वीडियोस हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न पर, प्लीज 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 मेरे स्टूडेंट्स, मेरी बात को मानते हुए, मेरे इतनी बार प्लीज को कहने सुनने के बाद, एटलीस्ट आप लोग मानिए इस बात को, उन वीडियोस को जरूर देखें। बेसिक सेंटेंस पैटर्न के वीडियो आपको टीटीसी जोधपुर वाले यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत एक्सरसाइज वहां पर आपको मिलेंगी। इससे पहले जो पैटर्न चलता था बोर्ड का, वहां तक के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं। बदकिस्मती से जिन बच्चों के लिए बनाए थे वो वीडियोस, उनके एग्जाम्स नहीं हुए, उन्हें सीधा प्रमोशन मिल गया कोरोना की वजह से, उन्हें पास कर दिया गया बिना एग्जाम के। तो ये कह लीजिए कि जो 2019 तक के क्वेश्चन बैंक पॉलिटेक्निक कॉलेज के अब तक के थे, वो मैंने हर टॉपिक के वहां पर सॉल्व करके दे रखे हैं। और आप लोगों का तो पहली बार पैटर्न आया है, तो आपको पुराने क्वेश्चन बैंक में तैयारी करनी है, तो वही आपको मिलेगा। इसलिए जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसमें वो क्वेश्चन यहां भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का कि एक बार मैं फिर प्लीज बोल रहा हूं, वो वीडियोज आपको जरूर देखने हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न। वहां आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, सारी चीजें वहां मिलेंगी। इसलिए मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में एग्जाम्पल नहीं डाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के। तो यहां देखिए एग्जाम्पल, कंपाउंड सब्जेक्ट के अलावा यहां देखिए हमने कुछ और सब्जेक्ट्स को यहां दे रखा है, जैसे टीम पंजाब लॉयंस, टीम राजस्थान चैंप्स एंड टीम दिल्ली रॉकर्स आर द बेस्ट टीम्स। ये सब जितना भी आपको यहां से यहां तक मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली कंपाउंड सब्जेक्ट। स्मिता एंड हर मदर, स्मिता और उसकी मां वॉक स्लोली थ्रू द नेशनल आर्ट गैलरी
एंड एडमायर द पेंटिंग्स एग्जिबिटेड देयर। ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है और स्मिता एंड हर मदर ये सब्जेक्ट है और ये कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि यहां पर स्मिता भी सब्जेक्ट है और मदर भी सब्जेक्ट है। तो जहां एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन आ जाए उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, जहां सिंगल नाउन या प्रोनाउन हो उसे हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मार्क करने के लिए कहा जाता है, वो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? छोटा सा मैंने ये वापस लिख दिया है। सब्जेक्ट क्या होता है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट। वाक्य का वह भाग जो ये बताता है कि वाक्य किसके बारे में है। वहीं प्रेडिकेट क्या होता है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज डूइंग, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कर क्या रहा है, कार्य क्या है उसका। द सब्जेक्ट कैन ओनली बी एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और द प्रेडिकेट विल कंटेन वर्ब्स और टू टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। तो वो ये बताता है कि बेसिकली सब्जेक्ट कर क्या रहा है। अब सब्जेक्ट के टाइप देखिए, पहला सिंपल सब्जेक्ट जैसा कि यहां दे रखा है, ऋषि इज पेंटिंग हिज हाउस। कंप्लीट सब्जेक्ट जैसा कि दे रखा है, द ओल्ड वुमेन, यानी वुमेन के साथ में हमने द और ओल्ड भी जोड़ दिया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट विद अ मॉडिफायर। कंपाउंड सब्जेक्ट जहां दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट दिए जाते हैं, होली एंड दिवाली आर माई फेवरेट फेस्टिवल्स। ऐसे प्रेडिकेट को देख सकते हैं हम, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। तो यहां देखिए, ऋषि इज पेंटिंग हिज हाउस, सिंपल प्रेडिकेट है, एक वर्ब है पेंटिंग, मॉडिफायर के साथ। विशाल एंड हिज ब्रदर ऑलवेज क्वारल, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब। तो क्वारल के साथ हमने ऑलवेज लगा दिया, फॉर लिटिल थिंग्स यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दिया यहां पर, इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, इट इज नाउ अ मॉडिफाइड प्रेडिकेट या कंप्लीट प्रेडिकेट। तीसरा एग्जांपल है कंपाउंड, जहां पर दो वर्ब दी गई हो। तो देखिए, शिप्रा लव्स कुकिंग, कुकिंग लव्स कुकिंग, ये लव्स यहां पर एक वर्ब हो गई, बट हेट्स द मैस इन्वॉल्व। शिप्रा को कुकिंग करना तो पसंद है लेकिन जो काम फैलता है उसे वो पसंद नहीं करती। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इस प्रकार आप यहां पर समझ सकते हैं कि कैसे कंप्लीट सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट या कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं, और उसी प्रकार सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट भी होते हैं। अब बस लास्ट के कुछ और एग्जांपल्स हम यहां पर देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, सुरेश एंड हिज ब्रदर ऑलवेज रेस ईच अदर अप द हिल व्हाइल ट्रैकिंग। जब वो ट्रैकिंग करते हैं तो दोनों एक दूसरे को रेस में चैलेंज करते हैं। तो यहां सुरेश एंड हिज ब्रदर है सब्जेक्ट और ऑलवेज से शुरू हो रहा है हमारा प्रेडिकेट। जल्दी जल्दी हम देखते हैं इनको। द मस्कुलर मैन पुल्ड द ट्रक विद अ रोप। यहां पर मस्कुलर मैन सब्जेक्ट है और आगे वाला पार्ट प्रेडिकेट है। द बॉय इन द ब्लू जैकेट सब्जेक्ट है, हेल्प द ब्लाइंड मैन प्रेडिकेट है। शट अप, यहां सब्जेक्ट हिडन है या कह लीजिए कि अंडरस्टूड है, और इसीलिए शट अप को हमने प्रेडिकेट में पूरा का पूरा बोल्ड किया हुआ है। You don't have to wait for me. इसमें you जो है वो सब्जेक्ट है, और अगर हम कहें यहां पर बात करें बाकी वाले पार्ट की, तो ये don't have to wait for me ये प्रेडिकेट है। Then
माई मदर एंड माई आंट आर ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर्स. तो माई मदर एंड माई आंट ये सब्जेक्ट है और आगे वाला पार्ट प्रेडिकेट है. द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एक्सीलेंट. यहां पर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और वॉज एक्सीलेंट प्रेडिकेट है. तो इन एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि हम किस प्रकार एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. और कल के लिए यानी नेक्स्ट वीडियो के लिए, कल से मेरा मतलब है, मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बताता हूं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए जो अब तक मैंने पढ़ाया है उसे ध्यान से पढ़ें, कॉपीज में नोट करें, क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करें और इन्हें साथ साथ लर्न करते रहें ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल सके. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.